हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुजानपुर मंडल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में युवा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही जोश और गर्मजोशी से हिस्सा लिया। इस मौके पर हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में करने जा रहा है, जिसके चलते युवाओं को आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा है। सभा स्थल पर पहुंचने पर अनुराग ठाकुर का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर को पटका और टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान ने कहा कि पार्टी की ओर से वन बूथ 20 यूथ कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि हर बूथ पर संगठन को मजबूत किया जा सके। विशाल चौहान ने कहा कि युवा मोर्चा का योगदान चुनावों में बहुत अहम होता है और युवा मोर्चा ही किसी भी चुनाव की दिशा और दशा तय करता है। वो 20 युवा कार्यकर्ता, वो केंद्र की सरकार की 4.5 साल की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनको जनता के बीच में लेकर के जाए और कांग्रेस का जनता को याद कराएं कि जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो देश के क्या हालात उस समय कांग्रेस की सरकार ने करके रखे। इस प्रकार से वो कंपैरिजन जनता के बीच में बूथ में करे कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो देश के क्या हालात हो जाते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो देश किस दशा में आगे बढ़ता है। इसलिए अनुराग जी, हमने ये अभियान चलाया है, हमने हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए, हर विधानसभा क्षेत्र में ये काम चल रहा है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का युवा मोर्चा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगने वाला है। और मैं आपको इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कई तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि जो कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे वो अब मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं और अपना गोत्र तक बताने में नाकाम है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवाद की हितैषी रही है और वोट की राजनीति को अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि वोट कहां मिले और कैसे मिले, कांग्रेसी इस तरह की राजनीति करती है, ना कि देश तरक्की की। इस बात की कभी भी कांग्रेस ने चिंता नहीं की। देश भर में अपनी दुकानें बंद होने से बचा रहे हैं, देश के हर राज्य में कांग्रेस की दुकान को ताला लगा है। अरे, इनके पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही नियत है। नेता का तो इतना अभाव है कि इनके नेता की बात की जाए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो पिछली बार जब इनकी सरकार थी तब राहुल गांधी जी अपनी सरकार में कहते थे हिंदू आतंकवाद। जो कल तक हिंदू आतंकवाद की बात करते थे वो राहुल गांधी आज मंदिरों में घूमते फिरते हैं। और जब पहले 40 मंदिरों में अपना गोत्र पता नहीं था, अपने गोत्र की याद नहीं आई, तो पुष्कर में जाकर मोतीलाल नेहरू का गोत्र बता दिया, अपना गोत्र बताना भूल गए। ये ऐसे हिंदू है, ये पाखंड। अच्छा, 10 मिनट। ये किस तरह की राजनीति है? जब कांग्रेस हमारे विकास का मुकाबला नहीं कर सकती तो कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति पर आ गई। आखिर देश के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हो आप? क्या आपको ये भनक लग गई है कि देश में तो कभी कांग्रेस वापस नहीं आएगी, इसलिए जो लोग देश के टुकड़े करना चाहते, बंदूक की नोक पर करना चाहते हैं, आप उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हो? जहां पर ये नारा लगता है कि तुम एक अफजल मारोगे हम घर घर से अफजल निकालेंगे, उनके साथ जाकर राहुल गांधी खड़े होते हैं। तो राहुल जी, आप और आपकी कांग्रेस को मैं बताना चाहता हूं, आप जाइए, खड़े हो जाइए अफजल के साथ, अफजल के समर्थकों के साथ, जिन्होंने भारतीय संसद पर हमला किया था, जो ये नारा लगाते हैं कि तुम एक अफजल मारोगे हम घर घर से अफजल लाएंगे। तो अनुराग ठाकुर कहता है कि तुम जितने अफजल लाओगे हम उतने अफजल मार गिराएंगे, उतने अफजल मार गिराएंगे।
लेकिन कांग्रेस आज भी इस तरह की घटिया राजनीति पर उतरी है कि वोट कहां मिले इसकी चिंता है, ये नहीं कि देश मजबूत कैसे हो। सरदार पटेल की अगर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा हमने बनाकर तैयार की तो कांग्रेस उस पर आपत्ति क्यों करती है?